हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो डेली की तरह हम लोग चल दिए हैं मधुबन को, और अभी फ़िलहाल मैं वेदू को चला कर ही जा रही हूँ यहाँ पे से, क्योंकि घर से यहाँ तक गोद में लेके आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई अब। इधर साइड से वेदू गिर जाएगा बेटा। सो गाइस, मुझे यहाँ एक हफ्ता हो गया है आते हुए, और स्टार्टिंग के 3 दिन मैंने कांथा सीखा, और अभी आजकल जो है मैं मधुबनी आर्ट कर रही हूँ। आज हमारा लास्ट दिन है मधुबनी आर्ट का, और मैम लोग जाने वाले हैं कल को। दिल्ली वाली मैम लोग आए हुए हैं हमको सिखाने के लिए, तो करते हैं। और आज हमने, कल तक हम खाली ड्रॉ कर रहे थे पेन से, और आज हम ड्रॉ भी करेंगे और उसके साथ साथ उसमें पेंटिंग भी करेंगे और नेचुरल कलर लगाएंगे। मतलब जैसे ये पत्तों वाला कलर है, इनको ही बना के इनका कलर ये लगाएंगे, और फूलों का कलर बना के लगाएंगे, तो सब कुछ नेचुरल होगा। बोल रही थी नेचर से रिलेटेड होगा, मतलब ऐसा नहीं कि हम खरीद के लाएंगे कलर और वो लगाएंगे। तो सब कुछ नया है मेरे लिए, और आज हम लोग करेंगे। उसके बाद परसों से, मंडे से फिर नई मैम लोग आएंगे अभी दूसरी चीज़ें सिखाने के लिए। तो कौन आएंगे, क्या आएंगे, ये तो बाद वाले ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं, और चलते हैं, फिर आपको मिलाते हैं आगे। मैम लोगों को दिखाएंगे, मतलब वीडियो तो मैं मैम लोगों के आगे से नहीं बना सकती, क्योंकि मैम लोग मना करते हैं इसे बनाने के लिए। दिखाऊंगी मतलब हम लोग क्या काम कर रहे हैं करके। आज यहाँ बनाना है, मतलब आज नई जगह, हाँ यहीं से करेंगे, यहीं करेंगे मतलब हम लोग। और लेडीज ऊपर तभी तो मेरी ड्राइंग है, अंदर नहीं है। हाँ ठीक है, फिर रख दो रख दो रख दो। अब ये करना जो नहीं है तो क्या करूँ। वीडियो अच्छा, उन्होंने वो रखे हैं वहाँ। अच्छा ये यहाँ लगे बिना अभी पूरी खुशहाली के आरंभ होने की बहुत बहुत बधाई, और हम लोग बहुत अपनी कृतज्ञता दिखाएंगे उमा जी को, सुनैना जी को, बिंदेश जी को, अंजलि दीदी यहाँ है, विजयलक्ष्मी दीदी, और आप सब, और आप सब अमित को भी मैं देख रही हूँ। आप सब की जब कड़ियाँ जुड़ जाती हैं, आपने तागों को जोड़ा, रंगों को घोला किया, गीत गाए, गाए गुनगुनाए, तो ये क्या किया आपने, ये किसके लिए किया? अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए। हाँ, और अपने लिए क्यों किया? हमने सीखा है, अब हम औरों को भी सिखाएंगे। हमने सीख लिया है कि जो भी चीज हम सीख रहे हैं, उमा दीदी आई बहुत प्यार से, उन्होंने कुछ सपने पिरोए, ठीक है, अपने लिए नहीं, हम सब सबके लिए। और फिर सुनैना दीदी अपना स्कूल छोड़ के आ गई, फिर उन्होंने हमें साड़ी पहनने भी सिखाया, और बहुत प्यार से बिंदेश भी आए। तो मधुबन एक ऐसी एकाग्रता है, एक ऐसी जगह है, जहां पे हम जो भी करें, जो भी करें, उसको हम माँ को अर्पण करते हैं। और ये श्री अरविंदो का 150th ईयर है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी का, और भारत का
75th year of independence. तो इन सालों में जो देश के सपने हैं कारीगरी की तरफ, इंटेग्रल एजुकेशन की तरफ, शायद उसका आरंभ कुछ साल पहले अंजलि दीदी और विजयलक्ष्मी दीदी लोगों ने ट्रैक के साथ किया था. लेकिन मुझे लगता है ट्रैक के साथ भी एक दाना एक जुड़ गया है. सो बहुत बहुत प्यार. और मुझे बोलना नहीं था, मुझे ये भी नहीं मालूम मैंने क्या बोला, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ हूँ. और मधुबन आपका है और हम सब इसलिए साथ हैं क्योंकि मधुबन हमें मिला हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे तारा दीदी नहीं है लेकिन मैं उनको भी याद कर रही हूँ. ये सब जो भी हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली आश्रम का एक बहुत बड़ा हाथ है. तो आप अपना काम करते जाइए, अंदर से खुशहाल होते जाइए और छोटे छोटे कदमों के साथ स्कूल के बच्चे और आप पढ़ के इस पूरे प्रांत को एक सशक्त रामगढ़ बनाएं. हम बनाएं. हाँ. ठीक है. बहुत बहुत प्यार. थैंक यू. सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू कहाँ जा रही है करके. तो पहले के दो दिन में ये जो वर्ली कांथा वाली जो डिजाइन है मैंने वो भी बनाई और ये जो लिफाफे हैं ये भी मैंने बनाए. अब मुझे पता है कि मैं उस चीज को बना नहीं हूँ लेकिन अंदर से मेरे आ रहे हैं मैं उसको बना सकती हूँ. तो अभी मैं फिलहाल मधुबनी में हूँ तो मधुबनी आर्ट मैं कर सकती हूँ. पहले उन लोगों के लिए ऐसा था कि ये पता नहीं कौन सी ड्रॉइंग है, हमको नाम नहीं पता था इस चीज़ का. और घर वाले लोग मुझसे पूछ रहे हैं डेली कि तू क्या करने जाती है करके. तो मैं बना के दिखाना चाहती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ और जिससे उन लोगों को प्राउड फील हो कि हाँ ये सीख के आई है. और इन चीज़ों को मैं अपनी सूट में करूँगी, चादर में तो हम लोग मैं अपनी सूट में करूँगी. तो मैं ये चाहती हूँ कि सब तारीफ करें हमारे काम, चाहे वो वर्ली हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे कांथा हो, चाहे सिलाई हो, बिनाई हो और क्रोशिया हो, इसको आप बढ़ावा देंगे. और सबसे आसान तरीका है कि एक जने को बस पास बैठा लो घर पे, वो जो सीख जाए तब एक और जने को बैठा लो और जिसको सिखाया उससे कहो कि तुम भी एक जने को पकड़ कर सिखाओ. तो यही हमारी आशा है कि आप ऐसे ही करेंगे और रामगढ़ के हर गांव में, हर घर में एक न एक कला सबको आनी चाहिए. ये जरूर करिएगा, यही एक्सपेक्टेशन है. और किस प्रकार से करेंगे? ऐसे करेंगे कि जो देखते ही बस वो वाह 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 वाला गाना हो जाए, है ना. जो वाह वाह हमने सीखा नहीं पूरा लेकिन वाह 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 वाला गाना. और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपना हाथ साफ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी उस स्तर तक लाने के लिए. तो ये जरूर करिएगा दो चीजें, इसको सिखाना और परफेक्शन लाना इसमें. बाकी आइडियाज तो दीदी हैं, हम लोग हैं, सभी हैं. जैसे ममता ने कहा कि मैं चादर से बैग पे ले जाऊंगी, कोई किसी और पे ले जाए, वो तो आइडियाज आते रहेंगे, बनता रहेगा, लेकिन आपका हाथ सेट हो जाए बस. और मधुबनी वर्ली ये सब भी जैसे रूपा ने कहा सूट पे भी हो सकता है, हर एक चीज पे, बैग्स पे आप कर ही रहे हैं, बस इसको भी बढ़ाते जाए. इतना ही मन. और अगर हम अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे तभी ये सभ्यता बच पाएगी. तो थैंक यू सो मच अरविंदो आश्रम, पूरा टीम, पूरा परिवार, ये मौका दिया कि जो हमारे पास है हम शेयर करें और बहुत सी चीज़ें आश्रम से सीख कर जाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू दीदी. कृष्णं वन्दे.
और उसके बाद हमें ये सुध भी नहीं है, जानने की इच्छा भी मन नहीं है, हाँ, पर जाना है, जाना जरूरी है। इतना प्यार मिला है और इतनी जो माहौल यहाँ का है, वातावरण, मौसम, सभी मतलब ऐसा है कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं। ये मेरा बनाया हुआ ही है, पहले पूरा थोड़ी बनाया था, अभी कैसा लग रहा है? हमारी पेंटिंग में लग रही है, बनाई है। हाँ, ये गिर गया, इसको सीधा करो। दीदी से बात करो, एक बार फिर रिमाइंड कर देंगे। ये मेरा वाला ही है। ये है जो कांथा बनाया था। अच्छा, इनमें इन लोगों ने नाम भी तो लिखे हैं। ये चीज़ की है इन लोगों ने, ये पिल्लो कवर है और ये वर्ली आर्ट।